मैं मूलतः चित्रकार हूँ, कवि नहीं हूँ। छोटी छोटी कविताएं कभी कभी लिख लिया करता हूँ, उन्हीं में से सुना रहा हूँ भी आपको। राजा जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बेहद डरा हुआ हूँ। जब से तुमने सपनों की ठेकेदारी ली और सपने दिखाने लगे। राजा जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बेहद डरा हुआ हूँ। जब से तुमने सपनों की ठेकेदारी ली और सपने दिखाने लगे। सबसे सुंदर होते हैं हमको, वे पाले रखना चाहता था, छोड़ दो। कम से कम सिर्फ एक रात खामोश और अकेली रात छोड़ दो, जिसमें तुम्हारे नहीं मैं सिर्फ अपने सपने देख सकूं। राजा जी, राजा जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बेहद डरा हुआ हूँ। जब से तुमने सपनों की ठेकेदारी ली और सपने दिखाने लगे। सपने सुंदर होते हैं, इस भ्रम को मैं पाले रखना चाहता हूँ, छोड़ दो। कम से कम सिर्फ एक रात खामोश और अकेली रात, जिसमें तुम्हारे नहीं मैं सिर्फ अपने सपने देख सकूँ। मैं बचे हुए रंगों में से सिर्फ किसी एक रंग पर उंगली रखने से डरता हूँ। मैं लाल, नीला, केसरिया या हरा नहीं होना चाहता। मैं होना चाहता हूँ धरती के इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ इंद्रधनुष। छोटी सी और कविता है। मली हुई तंबाकू वो घोट के नीचे दबाते हुए उसने पूछा, अरे भाई लोकतंत्र का मतलब समझते हो? मली हुई तंबाकू होंठ के नीचे दबाते हुए उसने पूछा, अरे भाई लोकतंत्र का मतलब समझते हो? और सवाल खत्म होते ही संसद की दीवार पर ईंट ठोक दी। थोड़ी दूर पर उसी दीवार को टांग उठाए कुत्ता भी गीला कर रहा था। लोकतंत्र का अर्थ सदृश मेरे सामने था।